शेयर मार्केट और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कब गिर जाए कुछ कह नहीं सकते मेरे दोस्त। कल तो ये लोग ऐसे बैटिंग कर रहे थे जैसे खुद घर से पिच बनाकर लाए हो। जड्डू भाई ने हमारे 3 DRS वेस्ट कर दिए विकेट लेने के चक्कर में। जैसे वो कह रहे हो, किसी को अपने DRS वेस्ट मत करने दो, तुम्हारे DRS है, तुम खुद खराब करो। रोहित भाई के तो उनके साथ ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे। कह रहे होंगे, जड्डू तू अब बोल्ड पे भी DRS लेने को बोलेगा ना तो भी नहीं लूंगा, मैं तो एक वड़ा पाव वेस्ट नहीं करता, तूने 3 DRS वेस्ट कर दिए। इंडिया की बैटिंग देखने के बाद पिच क्यूरेटर को जो क्रिटिसाइज किया था कल, फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखकर मुझे लगा गलती करती भाई ऐसा करके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 11 नहीं 24 लोगों ने हराया है, 11 इंडिया के और 11 ऑस्ट्रेलिया के खुद। क्योंकि जब भी किसी मैच में ऐसा लगा कि भाई अब ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रही है, कुछ ही देर बाद वो अपने फैंस को कहते हैं सॉरी आपके साथ प्रैंक हुआ है। 11 रन के अंदर 6 विकेट गिर गए यार उनके। वाओ अमेजिंग वाइस कैप्टनसी बाय KL राहुल। ओह सॉरी मैं तो भूल ही गया था, राहुल भाई तो टीम में है ही नहीं ना। कल इस पिच की टर्न देखकर फास्ट बॉलर्स का काम उतना ही था जितना साइकोलॉजी की स्पेलिंग में पी का है। लेकिन आज हमारे उमेश भाई ने ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट ले लिए, जहां बाकी फास्ट बॉलर्स को बॉलिंग ही नहीं मिल रही, वहां उमेश भाई स्टंप्स के डंडे उड़ा रहे थे। जहां कल बाकी बैट्समैन 1 रन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वहां उन्होंने 2 छक्के मार दिए। बॉलर बोल रहा होगा भाई 5 विकेट लिए मैंने, थोड़ी तो इज्जत कर ले, थम्स अप पीकर तो नहीं आए थे उमेश भाई, जो आज कुछ तू पानी करते बोल के स्टंप्स ही उड़ा दिए। उमेश भी लाइक थम्स अप इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। ऑस्ट्रेलिया जल्दी ऑल आउट हो गई तो सोचा चलो राहुल भाई नहीं है मतलब जल्दी विकेट नहीं गिरेगी। लेकिन राहुल भाई तो हमसे भी शाणे निकले, उन्होंने गिल से हाथ मिलाकर अपनी फॉर्म ट्रांसफॉर्म कर दी। भाई वो जो मुझे निकाल कर टीम में लिया उस प्लेयर ने जो सेंचुरी मारी है उसका वीडियो जरा व्हाट्सअप करना, वो क्या है ना उससे मुझे बैटिंग सीखनी है। क्यों वेंकटेश प्रसाद मिल गया मेरा रिप्लेसमेंट? जैसे झूठ बोलने पर कवा काटता है तो सच बोलने पर कौन सी कोयल पप्पी लेने आती है, वैसे ही मैं था तो विकेट गिरती थी, तो अब गिल आने पर कौन सी सेंचुरी बन रही है? मैं था तो कम से कम टीम की हालत ऐसी तो नहीं हुई थी, सबकी पनौती अपने सर लेता था मैं, भुगतो अब। क्या हो गया यार, KL राहुल के जाते ही पूरी बैटिंग बिगड़ गई हमारी। ये ऑस्ट्रेलिया का टकला लखा विकेट पे विकेट ले रहा है। उधर ऋषभ भाई बोल रहे होंगे याद तो मेरी आ रही होगी, तुमको बड़ा सता रही होगी। हाँ भाई हाँ आ रही है याद, पर क्या कर सकते अब। एक तो जब से गौतम गंभीर ने कहा दिस विल बी द विराट कोहलीज बेस्ट ईयर, तब से विराट भाई ने एक 50 भी नहीं बनाई। नीम करोली बाबा के आशीर्वाद पर गंभीर का काला जादू भारी पड़ रहा है। श्रेयस भाई भी रील्स में डांस करने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इधर उनकी बैटिंग बिगड़ गई, छोटी रील बनाने के चक्कर में परफॉर्मेंस भी छोटी हो गई। धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि बड़े बूढ़े क्यों कहते हैं कि सोशल मीडिया तुम्हारी जनरेशन को बर्बाद कर रही है। बस पुज्जी भाई हमारे बाहुबली बनकर खड़े थे, छक्का भी मार दिया पुज्जी भाई ने। ड्रेसिंग रूम में सब लोग हंस रहे थे कि भाई ये क्या हो गया, इट्स लाइक रेगिस्तान में समुंदर होना। नेथन लॉयन को 8 विकेट लेने पर जितनी खुशी नहीं हुई उससे ज्यादा दुख पुजारा से 6 खाने पर हो रही होगी कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। एशन ना मुझे काटने वाला ऑफर खत्म हो गया क्या? पुज्जी भाई तो ऑस्ट्रेलिया के सामने ऐसे खड़े थे जैसे कह रहे हो ऑस्ट्रेलिया वालों अगर तुम्हें जीतना है तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। मैंने तो सोचा पुज्जी भाई इतनी डॉट बॉल्स खेलो कि टकले लक्का के हाथ पर बॉल का धागा छप जाए, लेकिन आखिरकार विकेट ले ही ली उसने। KL राहुल यू हैव टेकन माई प्लेस, डोंट डिसअपॉइंट मी, मीनवाइल गिल खेलूंगा भी वैसे ही। इंडियन बैटिंग इन इंडियन बैटिंग कंडीशन, डरो मत मैं सिर्फ दिखने में ही खतरनाक हूँ। एकदम रिलेटेबल मीम है यार। फास्ट बॉलर जब इंडिया में टेस्ट मैच खेला जा रहा हो। मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ 3 स्पिनर्स खिलाओ और बाकी बैट्समैन, ज्यादा बैटिंग भी मिल जाएगी, क्योंकि वैसे भी जड्डू और एशन ना दोनों ही तो विकेट लेते हैं हमारे तरफ से। When other batsmen are batting, when Umesh and Shami are batting, सही कहा भाई, बोरिंग मैच इंटरेस्टिंग हो जाता है। ना डरे ना जिम करे उमेश यादव हूँ बेटा, बोरिंग मैच में छक्के मार कर जान फूंक दूँ जब मेरा मन करे। कुछ टिप्स टॉप ऑर्डर को भी दे दो यार प्लीज यार उमेश भाई। एक्सक्लूसिव मीटिंग ऑफ मुंबई इंडियंस गोइंग ऑन राइट नाउ। रोहित भी लाइक मैच गया तेल लेने, बताओ यार बुमराह की जगह किसे खिलाए अब, इसे देख इसे लगा आज 75th सेंचुरी आएगी। 5 स्टेज ऑफ हेयर फॉल, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे, कुछ भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग परफॉर्मेंस टुडे, अरे क्या जुल्म है, पिच बनाए हम और फायदा उठाए वो। इससे हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए।